हर किसी का एक सपना होता है कि जब वो अपने टैंक में क्लाउन फिश रखे तो उसके साथ एक लॉन्ग टेंटिकल एनिमल या फिर एक बबल टिप एनिमल या कार्पेट एनिमल होना चाहिए। सो गाइस, आज हम लोग जानेंगे लॉन्ग टेंटिकल को टैंक में इंट्रोड्यूस करने के पहले किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड और जल्दी से मत देखना क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट आप मिस कर देंगे। और आज का जो वीडियो है गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप अगर जो आपके टैंक में लॉन्ग टेंटिकल एनिमल रखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मरीन लाइफ विद शिव जो है वो आपके हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन का जवाब है गाइस। सो अगर जो आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट आप हर एक नॉलेजेबल वीडियो पा सकें। तो चलते हैं गाइस और आज का टॉपिक जो कि है लॉन्ग टेंटिकल एनिमल, उसके बारे में बात करते हैं। Hi guys, welcome back to my channel. This is Shiv and you are watching Marine Life with Shiv. So guys, सबसे पहले Happy Independence Day, भारत माता की जय। So guys, आज का जो टॉपिक है that is about long tentacle animal. Sorry, late video डालने के लिए क्योंकि मैं अपने काम से बाहर गया हुआ था। So एक interesting topic था that was about long tentacle animal, जिसके ऊपर मैंने सोचा and here we are on a topic of long tentacle animal. So guys, long tentacle animal की जो प्रजातियां हैं वो कितने तरह की होती है? Any guesses? Comment में जरूर बताइएगा अगर जो आपको मालूम है तो। लेकिन अगर जो नहीं पता है आपको तो let me tell you guys, 1000 types of animals की variety है। 1000 types of animals है world में। Yes, आपने सही सुना है। तो guys, आज जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे हम लोग लॉन्ग टेंटिकल एनिमल के बारे में। अब लॉन्ग टेंटिकल एनिमल और क्लाउन फिश का क्या कॉम्बिनेशन है? लॉन्ग टेंटिकल एनिमल और एक क्लाउन फिश का क्या पार्टनरशिप है? उसकी ये पार्टनरशिप है गाइस कि लॉन्ग टेंटिकल एनिमल जो है वो क्लाउन फिश को होस्ट करता है अपने बॉडी के हेल्प से। लॉन्ग टेंटिकल एनिमल को एक एंटीबायोटिक देता है, बाकी प्रीडेटर फिश और बाकी जो तरह के जीव हैं जो क्लाउन फिश को खा सकते हैं उसको लॉन्ग टेंटिकल एनिमल बचाता है। कैसे बचाता है? जब कोई भी प्रीडेटर फिश या कोई भी एक ऐसा जीव जो क्लाउन एनिमल को हर्ट करने जाता है या मारने जाता है तो लॉन्ग टेंटिकल एनिमल के अंदर क्लाउन फिश अपने आप को छुपा लेती है और लॉन्ग टेंटिकल एनिमल बंद हो जाता है और लॉन्ग टेंटिकल एनिमल बाकी सब चीजों को स्टिंग करता है, क्लाउन फिश को स्टिंग नहीं करता है। क्लाउन फिश अपने आप को उस तरह से बचा लेती है। अब लॉन्ग टेंटिकल एनिमल की पार्टनरशिप क्लाउन फिश से कैसी है? लॉन्ग टेंटिकल एनिमल की पार्टनरशिप ऐसी है कि लॉन्ग टेंटिकल एनिमल को एक क्लाउन फिश वहां से यहां से बहुत जगहों से खाना लाती है और देती है, मतलब कि वो एक तरह का उसका फूड सोर्स है। इसलिए ये दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी तरह से चलती है। अब ये लॉन्ग टेंटिकल एनिमल कहाँ कहाँ पाया जाता है? लॉन्ग टेंटिकल एनिमल इंडियन ओशन, स्पेसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस।
अब एक और चीज गाइस, आपके माइंड में एक चीज क्लियर कर लीजिए कि लॉन्ग टेंटिकल एनिमल एक कोरल नहीं है जो कि अपने स्केलेटन के साथ एक जगह पे रहेगा। वो अगर जो उसको लाइट सही ना मिले और फ्लो सही ना रहे, ज्यादा ओवर लाइट ज्यादा ओवर फ्लो रहेगा तो अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेता है। वो एक कोरल की तरह जगह पे नहीं रहेगा। इट्स नॉट ए स्केलेटन सो दैट इट कैन स्टे ऑन ए प्लेस। आपको अगर जो लॉन्ग टेंटिकल एनिमल रखना है तो लॉन्ग टेंटिकल एनिमल के लिए आप छोटा टैंक मत यूज कीजिए, आप एक बड़ा टैंक यूज कीजिए सो दैट आपका लॉन्ग टेंटिकल एनिमल अगर जो लाइट सही नहीं मिल रहा है तो वो अपनी सही दिशा में जाके बैठ सके। सही वेव मेकर की हेल्प से उसको प्रॉपर वेव नहीं मिल रही है तो आप उसको बड़े टैंक में रखेंगे तो उस हिसाब से वो एक सही जगह पे जाके अपने आप को स्टेबल सेटल करेगा। अगर जो आपका लॉन्ग टेंटिकल एनिमल कभी वेव मेकर के नजदीक आ जाता है इतनी दूरी पे भी, तो आप अपना वेव मेकर बंद कर दीजिए। यस गाइस, अगर जो आपका लॉन्ग टेंटिकल एनिमल नजदीक आ जाता है तो वो टाइम पे वेव मेकर को बंद कर दीजिएगा, नहीं तो फिर लॉन्ग टेंटिकल एनिमल को ये नहीं पता है कि यहाँ पे वेव मेकर है जिसमें वो अटक सकता है और फट सकता है, जिसके कारण आपके टैंक में अमोनिया बूस्ट हो जाएगा, आपका पूरा टैंक वाइट वाइट हो जाएगा और आपकी फिशेस आपके इनवर्टिबेट्स इसके कारण मर सकते हैं। यस, इसीलिए कभी भी ये चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपके टैंक के अंदर जो भी फ्लो है वो आप पावर हेड की हेल्प से, जो बेस में हम लोग पावर हेड लगाते हैं उसका फ्लो हो तो बहुत अच्छा है, या तो फिर अगर जो वेव मेकर के नजदीक जैसे भी हो जाता है तो आपका वेव मेकर आप बंद कर दीजिए। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए आप, कोई भी इनवर्टिबेट्स, कोई भी फिश, कोई भी क्रिएचर, कोई भी एनिमल या कोई भी जीव मरीन टैंक रिलेटेड आप लेने जाते हो तो आप यूट्यूब पे मरीन लाइफ विद शिव और उसके पहले जो भी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं वो डाल के सर्च कर सकते हैं, या तो फिर गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, कोई भी चीज के बारे में आप जानकारी प्रॉपर लीजिए। प्रॉपरली आप जानकारी लेंगे तो उसके बाद आप वो चीज को अच्छी तरह से रख सकते हैं, उसका ध्यान दे सकते हैं और आप प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। तो इसीलिए कभी भी कोई भी चीज लेके आए तो उसके बारे में पहले अच्छी तरह से जान लें। अगर जो आपके मेन डिस्प्ले टैंक में आपने हीटर को इंस्टॉल किया हुआ है, आपका मेन डिस्प्ले टैंक जो है उसी में आपने हीटर को इंस्टॉल किया हुआ है, आपके सम्प में नहीं किया है, आपके पास सम्प नहीं है, तो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपका जो हीटर है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जैसा कि सीरा कंपनी है और बाकी तरह की कंपनीज है जो कि हीटर को अच्छी तरह से कवर देती है, तो आपके लॉन्ग टेंटिकल्स या एनिमल्स जाके उसमें स्टिक नहीं होंगे और मरेंगे नहीं। अच्छी क्वालिटी का हीटर यूज कीजिए सो दैट यू हैव ए प्रोटेक्शन, आपके हीटर के ऊपर अच्छी प्रोटेक्शन रहे सो दैट एनिमल्स को वो हार्म ना कर सके। कि अगर जो आप ठंडी जगहों से हैं तो वहां पे आपको हीटर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपको अगर जो लॉन्ग टेंटिकल एनिमल ये सब सुनने के बाद रखना है तो क्या क्या चीज का ध्यान देना है। सबसे पहले चीज, आपके टैंक के पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए। आपके टैंक का जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, ये आपके टैंक का टेम्परेचर होना चाहिए। सैलिनिटी लेवल कितनी होनी चाहिए, सैलिनिटी लेवल जो है आपके टैंक की 1.023 से लेके 1.026 तक होनी चाहिए। अब गाइस, आपके टैंक का कैल्शियम 380 से 450 के बीच में होना चाहिए। आपके टैंक का मैग्नीशियम 1200 से लेके 1400 ppm होना चाहिए। एंड गाइस, आपका फॉस्फेट 0.03 तक होना चाहिए। ये सब चीजें का आप ध्यान दीजिए, एक रीफ के हिसाब से आपके टैंक के पैरामीटर्स होने चाहिए। नाउ गाइस, आपके टैंक में इसको कब इंट्रोड्यूस करना है, लॉन्ग टेंटिकल एनिमल को आपके टैंक में कब इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि
आपका टैंक मैच्योर हो गया है या नहीं ये आपको पता चलेगा आपकी नाइट्रोजन साइकिल पूरी होने के बाद। आपकी नाइट्रोजन साइकिल जो है वो 45 से 60 डेज के आसपास आपकी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है, जो कि अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट होता है, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। जब आपकी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपके टैंक में एक अच्छे तरह के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, सो दैट आपके टैंक में आप लॉन्ग टेंटिकल एनिमल को इंट्रोड्यूस कर सके। अब जब आपकी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो गई तो आप ये नहीं कि हार्ड एंड फास्ट 2 महीने हो गए हम लोग टैंक में इंट्रोड्यूस कर दें लॉन्ग टेंटिकल एनिमल को, नहीं, स्टिल आप वेट कीजिए। 4 से 5 महीना आप वेट करने के बाद आप लॉन्ग टेंटिकल एनिमल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जब लॉन्ग टेंटिकल एनिमल हम लोग लेने जाए कोई भी शॉप में, कोई भी आउटलेट में, तो वहां पे आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। जब भी आप लॉन्ग टेंटिकल एनिमल खरीदने जाए तो आप ये चीज का ध्यान दीजिए कि उसका जो फुट है, जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग टेंटिकल एनिमल का जो फुट है वो आप देखिए किस तरह से अच्छी तरह से पकड़ा हुआ है उसने, जहां पे भी वो चिपका हुआ है उसने अच्छी तरह से पकड़ा है, या फिर कोई भी स्टोन के ऊपर अगर जो चिपका हुआ हो तो वो फुट अच्छी तरह से पकड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि जो उसका ग्रिप लेवल है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये लॉन्ग टेंटिकल एनिमल हेल्थी है। सेकेंड पॉइंट, आपको ये चीज का ध्यान देना है कि उसका जो माउथ है वो खुला हुआ नहीं होना चाहिए, उसका जो माउथ है बंद रहना चाहिए। अगर जो उसका माउथ खुला है तो वो हेल्थी कंडीशन में नहीं है, वो स्ट्रेस में है। यस गाइस, ये चीज का आपको ध्यान देना है एक लॉन्ग टेंटिकल को खरीदने के टाइम पे। और जब लॉन्ग टेंटिकल एनिमल अगर जो आप कहीं बाहर से मंगाते हैं तो उसको आप अच्छी तरह से क्वारंटाइन कर लीजिए। आप कम से कम 3 से 4 हफ्ता उसको क्वारंटाइन टैंक में ट्रीट करने के बाद, जो कि वो डिसइंफेक्टेड हो जाए, अनवांटेड पैरासाइट्स क्लियर हो जाए, तब जाके आप अपने मेन डिस्प्ले टैंक में उसको इंट्रोड्यूस कीजिएगा। आप अगर जो खुद कोई भी शॉप से ले रहे हो, अगर जो आपके नजदीकी शॉप है तो वहां पे आप उसको बुक कर सकते हैं, सो दैट वहीं पे वो क्वारंटाइन हो जाए, अगर जो आपके पास क्वारंटाइन सिस्टम नहीं है तो। और अगर जो आप बाहर से कहीं से मंगवा रहे हैं तो वो चीज पे आपको ये ध्यान देना है कि उसका जो फुट है वो सही रहे, जब उन्होंने निकाला है वो टाइम पे उसके फुट पे कोई हार्म ना हुआ हो। और अगर जो वो ज्यादा स्ट्रेस में आपको दिखता है, अगर जो वो ज्यादा स्ट्रेस में आपको दिखता है जब आप उसको लेके आते हो और बकेट में एक्लिमेट करने डालते हो, तो वो टाइम पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपको आपके लॉन्ग टेंटिकल को क्वारंटाइन टैंक में ही डालना है। ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से लॉन्ग टेंटिकल को एक्लिमेट करना है और आपके टैंक में इंट्रोड्यूस करना है। आपको ये एक जो बकेट दिख रही है, ये एक बकेट ले लेनी है जिसमें आप अपने लॉन्ग टेंटिकल एनिमल को डाल सकते हैं। जो पैकेट में आप लेके आए हैं वो पानी, वो पैकेट का पानी जिसके साथ लॉन्ग टेंटिकल एनिमल आया है, और आपको ये एक मग या फिर ड्रिपर की हेल्प से जब आप उसको ड्रिप करेंगे, एक्लिमेट करेंगे, तो वो टाइम पे 1 सेकेंड पर ड्रॉप के हिसाब से आपके बकेट के अंदर पानी ड्रिप होना चाहिए। एंड गाइस, आपके जो पैकेट का पानी था, आपके जो लॉन्ग टेंटिकल जितने पानी में आया उससे डबल गुना जब पानी एक्लिमेट हो जाए, तो समझ लीजिए आप अपने लॉन्ग टेंटिकल एनिमल को आपके टैंक में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कम से कम 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा आप इसको ड्रिपिंग दे सकते हैं, उसके बाद अपने टैंक में आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जब आप इसको अपने टैंक में इंट्रोड्यूस करेंगे, वो टाइम पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपके टैंक की लाइट जो है उसको आपको बंद कर देनी है। यस गाइस, आपके टैंक की जो लाइट है उसको आपको बंद कर देना है, एंड आपके टैंक का जो वे मेकर है उसको भी आपको बंद कर देना है, क्योंकि आपका जो लॉन्ग टेंटिकल है वो आपने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है टैंक में, एंड आप जैसे ही टैंक का वे मेकर ऑन करोगे और लाइट ऑन करोगे तो वे मेकर की जो वेव्स आएगी, जो पानी के अंदर वेव्स क्रिएट होगी, वो लॉन्ग टेंटिकल को फास्ट मूव करेगा और आपके लॉन्ग टेंटिकल आपके वेव मेकर में जाके अटक सकता है, और आपके बाकी इनवर्टिबेट्स, आपकी बाकी चीजों को भी वो स्ट्रेस कर सकता है, हिट कर सकता है।
और आपके टेंटिकल एनिमोन को हार्म हो जाएगा, तो ये चीज का आप ध्यान दीजिएगा। नाउ सेकंड चीज जो है आपकी लाइट, आपके टैंक की जो लाइट है वो आप बंद करेंगे। आप जब लॉन्ग टेंटिकल एनिमोन को अपने टैंक में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो स्लोली आप अपने टैंक की लाइट ऑन कीजिए। आप अपने टैंक की लाइट ऑन करेंगे तो आपका जो लॉन्ग टेंटिकल एनिमल है वो अपने टैंक का एनवायरमेंट धीरे धीरे अपनाते रहेगा। धीरे धीरे उसको लाइट मिलेगी, धीरे धीरे वो खुलेगा, धीरे धीरे अपना जो एरिया है, अपना जो एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे अपनाना स्टार्ट करेगा। आपका टैंक के अंदर जब आप लॉन्ग टेंटिकल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपका लॉन्ग टेंटिकल एनिमल ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आएगा और वो हेल्थी और अच्छी कंडीशन में आपके टैंक में अच्छी तरह अपने आप को एनवायरमेंट लाइट सब धीरे धीरे देते रहेंगे आप, तो वो धीरे धीरे अच्छी तरह से सेटल हो जाएगा। नाउ सेकेंड डे आप अपने वेव मेकर को ऑन कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वेव मेकर ध्यान दीजिएगा कि लॉन्ग टेंटिकल जब मूव करता है, क्यों मूव करता है, क्योंकि उसको प्रॉपर लाइट नहीं मिलती है या फ्लो ज्यादा है जो जगह में, उसको थोड़ा फ्लो चाहिए, अपने हिसाब से फ्लो चाहिए, या फिर आप फीडिंग नहीं देते हैं तो वो मूव करता है, तो ये चीज का आप ध्यान रखना। अब फीडिंग जो है हफ्ते में उसको दो बार फीडिंग दीजिएगा, इसके ऊपर भी मैंने स्पेशली वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं एनिमल को क्या फीड करें, किस तरह से करें। लेकिन यहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप हफ्ते में उसको दो बार स्पॉट फीडिंग कराएं। दो बार स्पॉट फीडिंग मतलब आपके लॉन्ग टेंटिकल को फीडर की हेल्प से उसके माउथ पे फीड कीजिए। नॉर्मली फिशेज जो है क्लाउन वो उसको खाना दे देगी, लेकिन आप उसको स्पॉट फीड करेंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होएगा, क्योंकि उसको खाना अच्छा मिल रहा है, अच्छी लाइट मिल रही है, अच्छी वेव्स मिल रही है, तो वो एक जगह पे बैठ जाएगा। एंड ऑफ द डे आप उसको खाना भी दे रहे हो तो स्पॉट फीडिंग देंगे आप वीकली ट्वाइस, तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, हेल्थी ग्रो होएगा। एंड जब हेल्थी ग्रो होएगा तो वो टू पार्ट्स में स्प्लिट भी होएगा, तब आपको खुशी होगी कि यस मेरा एनिमल हेल्थी और अच्छे एनवायरमेंट में है। नाउ गाइस अब जब आपने टेंटिकल एनिमल को अपने टैंक में इंट्रोड्यूस कर दिया है तो क्वेश्चन आता है नीमो क्लाउन फिश का, तो आप अपनी क्लाउन फिश को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर जो आपको दोनों का पेयर करके इंट्रोड्यूस करना है तो दोनों को आप एक साथ एक्लिमेट कर सकते हैं एंड आप इनको उस तरह से फिर आपके टैंक में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दैट दोनों एक अच्छे पेयर और हेल्थी सिचुएशन में अपने आप को सेटल कर लें। अगर जो आपने लॉन्ग टेंटिकल को पहले से इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो भी कोई इशू नहीं है, आप एक्लिमेट कीजिए अपनी क्लाउन फिश को, और क्लाउन फिश को जब एक्लिमेट करके इंट्रोड्यूस करेंगे टैंक में तो ये ध्यान दीजिएगा कि लॉन्ग टेंटिकल के नजदीक क्लाउन फिश को छोड़ें, सो दैट वो लॉन्ग टेंटिकल को अपना घर समझ के उसमें चले जाए और लॉन्ग टेंटिकल एनिमल क्लाउन फिश को अच्छी तरह होस्ट कर सके। नाउ गाइस एनिमल लॉन्ग टेंटिकल एनिमल को कितनी लाइट चाहिए, उसको 100 से 200 पार के आसपास की लाइट चाहिए। यस पार जो होता है पार काउंट किया जाता है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है किस तरह से लाइट जा रही है उसको पार में काउंट किया जाता है, तो ज्यादा लाइट मत दीजिएगा नहीं तो फिर आपका जो लॉन्ग टेंटिकल है या आपके जो एनिमल्स है वो अगर जो ऊपर बैठना चाहते हैं तो वो नीचे कोने में जाके छुप जाएंगे, वो हिडन स्पेस ढूंढेंगे कि हमको कहीं से कम लाइट मिले तो हम वहां जाके बैठ जाए। इसीलिए आप अपने टैंक की जो हाइट है वो लाइट बराबर ध्यान दीजिएगा, टैंक की जो लाइट है वो 100 पार से 200 पार के आसपास होनी चाहिए। नाउ फीडिंग में आपको लॉन्ग टेंटिकल एनिमल को क्या क्या देना है, फीडिंग में आपको लॉन्ग टेंटिकल एनिमल को सॉलिड फूड देना है। सॉलिड फूड यानी कि ब्रेन श्रिम्स, माइशी श्रिम्स या फिर रे फ्रॉड्स, यस ये आप अपने लॉन्ग टेंटिकल एनिमल्स को दे सकते हैं, सो दैट वो हेल्थी और कलरफुल रहे। सो इन द एंड गाइस अगर जो इस तरह से आप अपने लॉन्ग टेंटिकल एनिमल और क्लाउन फिश का पेयर देखना चाहते हैं तो जो मैंने बताया है आप उस तरह से फॉलो कर सकते हैं गाइस, नहीं तो फिर बहुत सारी वीडियोस है, गूगल है, आप सर्च कीजिए एंड आप अपना दिमाग लगाइए, आपको खुद सेटिस्फाइड होएगा तो आप वो चीज कीजिए जो आपका मन करता है।
आई होप आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपको सही लगी होगी एंड आपने कुछ नॉलेज लिया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए हैप्पी मरीन लाइफ।